फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बन्ना फूडी किचन में। फ्रेंड्स, मैं लेके आई हूँ आज सूजी से बनने वाला बहुत ही टेस्टी नाश्ता, जिसे आप 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। खाने में तो ये टेस्टी है ही और बिल्कुल हल्का फुल्का सा है। ये झटपट से बनके तैयार हो जाता है। आप इसको बच्चों के टिफिन में भी रख सकते हैं, जब चाहे आप इसको बना सकते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट में बनाइए, अगर आपको शाम को चाय के साथ कुछ अच्छा सा एंजॉय करना है तो हल्का फुल्का सा भी हो तो बनाइए ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता जो झटपट से बनके होता है तैयार। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाया है। तो हम लेंगे मिक्सर ग्राइंडर। तो फ्रेंड्स, हमें लेना है एक कटोरी सूजी। तो आप सूजी कोई सी भी ले सकते हैं, मोटी वाली या पतली वाली। तो मैंने थोड़ी सी मोटी सूजी है तो इसे हमें करना है ग्राइंड। अब इसमें हम एक चम्मच फ्रेंड्स डाल देंगे जीरा। जीरा डालने के बाद फ्रेंड्स हम डालेंगे इसमें आधी चम्मच नमक। फ्रेंड्स, हम डालेंगे चीनी। तो मैंने एक चम्मच चीनी का यूज किया है एक कटोरी सूजी में। चीनी से क्या होता है, अच्छा कलर आता है। अगर आप चीनी नहीं डालना चाहे तो चीनी को स्किप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम डाल देंगे इसमें दही। 2 से 3 चम्मच मैंने दही लिया है। अगर आपके पास उस समय दही नहीं है और आपको ये रेसिपी बनानी है तो आप दही की जगह नींबू का रस का भी यूज कर सकते हैं। तो हमने एक कटोरी सूजी ली थी, एक कटोरी हमने पानी लिया है और इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। एकदम पेस्ट बना के तैयार कर लेना, एकदम बारीक सा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको चम्मच से निकाल के दिखाती हूँ। तो बिल्कुल हमें इस तरह से चाहिए, ना जाना पतला ना जाना गाढ़ा। इसमें हम डालेंगे फ्रेंड्स इनो। तो मैं आधे चम्मच के आसपास इनो डालूंगी। आप इनो की जगह सोडे का यूज भी कर सकते हैं खाने वाले का। इनो डालकर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक लेंगे बड़ा सा कटोरा, इसमें हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। आप घी का भी यूज कर सकते हैं। अब हमने जो बैटर बना के रखा था सूजी का, इस तरह से हम इसमें फैला देंगे। आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं, आप चाहे तो थाली में भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने सभी बैटर को निकाल लिया है। तो देखिए मेरा निकल चुका है। तो इसमें हमें थोड़ी सी हल्की सी फ्रेंड्स हम ऊपर से डालेंगे लाल मिर्ची। अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हैं, वरना मिर्ची को स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से थोड़ी सी मिर्ची डाल दूंगी। अब हम स्टीम करेंगे इसको। तो मैंने एक कढ़ाई रख दी थी और ये वाली छन्नी रख दी थी, तो मेरे पास स्टीमर नहीं तो मैं इसी में स्टीम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको लगभग 5-6 मिनट के लिए स्टीम करने के लिए रख देंगे और बीच में थोड़ा सा चेक करते ही रहेंगे कि ये अच्छे से पके हो जाए तैयार। तो अब हम इसको छोड़ देंगे, लगभग 5-6 या 10 मिनट के आसपास ये पक्के हो जाएगा बढ़िया सा तैयार। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं। अब हमारे 10 से 5 मिनट हो चुके हैं, तो बिल्कुल इस तरह से पक्के हो चुका है बढ़िया सा तैयार और अच्छे से खुल भी गया है। तो हम चाकू की सहायता से इस तरह से इसको चेक कर लेते हैं। देखिए चाकू हमारा एकदम साफ निकला हुआ है। तो फ्रेंड्स, अब इसको हम निकाल लेंगे और थोड़ा सा इसको हम ठंडा होने देंगे। हमने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो अब हम चाकू की सहायता से फ्रेंड इस तरह से आपस में जो थोड़ा सा चिपक जाता है कॉर्नर में, चाकू की सहायता से हम इस तरह से इसको निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बन के बढ़िया सा हो चुका है तैयार। तो अब इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो आप मन चाहे आकार दे सकते हैं। तो मैं इस तरह से त्रिकोणीय आकार में इसको चाकू की सहायता से फ्रेंड्स कट कर रही हूँ। आपको जैसे भी पीसेज इसके कट करना हो आप कट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे ही खा सकते हैं, तब भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। किसी भी चटनी के साथ आप इसको सर्व कीजिए, बहुत ही मजेदार लगेगा आपको। आप बच्चों के टिफिन में भी रखिए। तो देखिए कितना बढ़िया ले अच्छे से फूल भी गया है और बनके हो चुका है तैयार। अगर आपको ऐसा ही पसंद आए खाने में तो आप इसको ऐसा ही खा सकते हैं। अगर थोड़ा सा इसको और अच्छा बनाना है, थोड़ा टेस्टी बनाना है, तो इसको आप हल्का सा फ्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने गैस पे पैन रख दिया था। इसमें हल्का सा मैं घी या ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, तो मैंने इसमें घी का यूज किया है। तो मैंने हल्का सा 1 चम्मच के आसपास इसमें घी डाल दिया है और घी डालने के बाद इनको थोड़ा सा हम इस तरह से उलटते पलटते रहेंगे। इससे थोड़ा सा अच्छा सा कलर आ जाता है और इनका थोड़ा सा टेस्ट भी बढ़ जाता है। अगर आप हल्का सा इनको फ्राई करना चाहो तो कर सकते हैं, वरना आप इनको ऐसे ही खा सकते हैं, तब भी ये बहुत ही मजेदार लगते हैं। थोड़ा सा मैं हल्की सी लाल मिर्ची थोड़ा सा और डाल रही हूँ स्पाइसी बनाने के लिए। अगर आपको बिना मिर्ची का पसंद आए तो आप वैसा भी बना के खा सकते हैं। तो हल्की सी थोड़ी सी मिर्ची हमने डाली थी, इस तरह से थोड़ा सा हाथों से हम इस तरह से घुमा देंगे तो दोनों तरफ से इसमें अच्छे से मिर्ची लग जाएगी। तो मैं थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद करती हूँ। इसी तरह से हम इनको बढ़िया सा उलटते पलटते दोनों साइड से हम इनको सेंक लेंगे और इनका थोड़ा सा टेस्ट भी बढ़ जाता है, जो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आप चाहो तो इनको बिना फ्राई करे ही खा सकते हैं। तो देखिए बढ़िया से बनके हो चुके हैं तैयार, दोनों साइड से अच्छे से सिक गए हैं। तो इनको अब हम करेंगे सर्व। तो मैंने इनको टोमेटो चटनी के साथ सर्व किया है। आपको जो भी चटनी पसंद हो आप इस रेसिपी को उससे ट्राई कर सकते हैं। सच माने बहुत ही मजेदार लगते हैं।
झटपट से बनाइए। बच्चों के टिफिन में भी आप रख सकते हैं, ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, चाय के साथ शाम को आपको खाना हो तब भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। बिल्कुल हल्की फुल्की है, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने क्या खाया है। तो फ्रेंड्स, मैंने सजाने के लिए थोड़ी सी इसमें हरी पत्ती लगा दी है। अगर आपको फ्रेंड्स हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, और झटपट से इस रेसिपी को जरूर बना के फ्रेंड्स तैयार कीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय और टेक केयर।